नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महत्वपूर्ण घोषणा की है, जहां मुख्यमंत्री ने वन प्राणियों के हमले से होने वाली मौतों पर आश्रित उनके परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजे की राशि घोषित की है। दरअसल वन्य प्राणियों के हमले में पहले मुआवजे की राशि महज 4 लाख थी, जिससे आश्रित परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाता था, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मुआवजे की राशि को दोगुना करने की घोषणा दी है। विदित हो कि वनवासी समाज के हितों से जुड़ा पैसा अधिनियम 15 नवंबर से मध्य प्रदेश में लागू होना है। आधिकारिक रूप से इसे शहडोल में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम के मंच से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में लागू होना है। इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभागीय प्रवास पर हैं। वहीं उन्होंने वन प्राणियों से फसल नुकसान की भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। जहां सिंचित भूमि पर नुकसान होने के दौरान पहले 16,000 की राशि मिलती थी, वहीं उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। एवं इसके अलावा असिंचित भूमि पर फसल नुकसानी को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया है। किसानों के हितार्थ मुख्यमंत्री की इस घोषणा से किसान बहुत खुश हैं। खास तौर से बीटीआर सीमा से सटे किसान, जिनकी फसल पर खतरा हमेशा वन्य प्राणियों से रहता था, उनके लिए घोषणा वरदान साबित होगी। उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। और इसलिए एक बार उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। हमने प्रावधान किया है कि सिंचित फसलों में अगर 50% से ज्यादा नुकसान वन्य प्राणियों के कारण फसलों को होता है तो सिंचित फसल में 30,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि, असिंचित फसल में 16,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत राशि उनको मिले। क्योंकि फसल का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हमको करनी चाहिए। मुझे ये पता चला कि उसमें देर लगती है, तो हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे कि तत्काल क्षति का आकलन हो जाए और राहत की राशि किसानों को मिल जाए। किसी इंसान की मृत्यु होती है, बेटा बेटी की मृत्यु होती है, तो अभी केवल 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है परिवार को, पीड़ित परिवार को। उस राशि को बढ़ा के मैं 8 लाख रुपया कर रहा हूँ। भगवान ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसी घटना में अगर किसी की जान जाती है तो उसके परिवार का ध्यान रखना यह हमारी ड्यूटी है। घायल का इलाज और उनको कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है, तो हम और बेहतर करेंगे।